11 राज्यों में साजिश के ठिकानों पर छापे। एनआईए का पीएफआई पर बड़ा एक्शन। ये पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी रेड है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। टेरर फंडिंग और साजिशों के कैंप चलाने के मामले में देश भर में पीएफआई के मॉड्यूल पर केंद्रीय जांच एजेंसी का ये सबसे तगड़ा प्रहार है। इस नक्शे से ये अंदाजा लगाना आसान हो सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कितनी प्लानिंग और तैयारियों के साथ आतंकी साजिशों के अलग अलग ठिकानों पर धावा बोला। से पूछताछ में इस बात का भी पता चलेगा कि जो विदेशों से, खासतौर से गल्फ कंट्रीज से जो पैसा आया है, उस पैसे को किस तरीके से अलग अलग राज्यों में उसको भेजा गया, और एनआरसी और सीएए का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के दौरान ये पैसा किस तरीके से वहां पर रूट किया गया, इन तमाम चीजों की जानकारी हासिल की जाएगी। यहाँ दिल्ली का जो एनआईए हेडक्वार्टर है, यहाँ पर गतिविधियां इस वक्त तेज हो गई हैं और यहाँ पर कुछ लोगों को लाने के लिए कोशिश की जा रही है, और वो जो अलग अलग जगहों पर उनको अरेस्ट किया गया है, उनको धीरे धीरे यहाँ पर लाया जाएगा। 11 राज्यों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापा मारकर अब तक पीएफआई के 100 से ज्यादा लोगों को कानून की गिरफ्त में लिया है। के बाहर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, राष्ट्रीय मुख्यालय है ये, और उसके बाहर जो आप देखिए मेन गेट है, उसके जो ताला है उस पर सील लग गया। ये सील एनआईए ने बीती रात एक रेड के बाद लगाई है। दरअसल ये सील जो है, ये भले ही कल लगाई गई हो, लेकिन एनआईए इसकी तैयारी पिछले काफी वक्त से कर रही थी। लगातार पीएफआई के रोल की तलाश की जा रही थी, खासतौर पे अगर कहीं कोई हंगामा होता था सड़कों पर, चाहे कानपुर का हंगामा हो, चाहे दिल्ली का हंगामा हो, चाहे सीए के प्रोटेस्ट हो, पीएफआई पर दो तरह से जांच जारी थी। एक इसकी फंडिंग की, दूसरी इस काम कैसे करता है। तो ईडी की एंट्री होती है, वो फंडिंग की जांच करती है, एनआईए लगातार इसके क्रियाकलापों की जांच करती है, और उसके बाद दिल्ली से पीएफआई के मुखिया परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दक्षिण में केरल से एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओ एम एस सलाम को हिरासत में लिया गया है। उमा सलीम के अलावा पीएफआई के केरल चीफ मोहम्मद बशीर, राष्ट्रीय चीफ वीपी नजरुद्दीन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पी कोया को भी हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने सबसे ज्यादा केरल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया, महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 लोगों को पकड़ा है, आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से 3, तमिलनाडु से 10, उत्तर प्रदेश से 8 और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी की तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, बिहार, नई दिल्ली समेत 12 राज्यों में छापेमारी चल रही है। महाराष्ट्र में भी पीएफआई से जुड़े 100 ठिकानों पर एनआईए की रेड चल रही है, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर में भी पीएफआई के दफ्तर पर छापा मारा जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में पीएफआई के एमपी के स्टेट लीडर्स को हिरासत में लिया गया। 4 लीडर्स को मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर से एनआईए ने हिरासत में लिया। बिहार के पूर्णिया में भी रेड चल रही है। पिछले कुछ दिनों से पीएफआई के कई मामलों में हाथ होने और टेरर फंडिंग का शुबा होने के बाद रेड डाली जा रही है। केरल, तमिलनाडु और यूपी समेत देश के 11 राज्यों में एनआईए और ईडी की टीम ने पीएफआई के राज्य से लेकर जिला स्तर के नेताओं के घरों पर छापेमारी की और करीब 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए और ईडी की रडार पर पीएफआई के चेयरमैन ओ एम ए सलाम भी काफी अरसे से थे। उनके घर पर आधी रात को छापेमारी की गई। एनआईए ने कोयम्बटूर, कुड्डलोर, रामनाड, डिंडुगल, थेनी और थेनकासी समेत तमिलनाडु में कई ठिकानों पर पीएफआई पदाधिकारियों के घरों की तलाशी ली गई। दिल्ली के शाहीनबाग और गाजीपुर से पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई। लखनऊ के इंदिरा नगर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि असम पुलिस ने पीएफआई के 9 लोगों को हिरासत में लिया है।
इस बीच पीएफआई ने एक बयान जारी किया है जिसमें खुद उसने पीएफआई के राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय नेताओं के घरों पर छापेमारी की बात का जिक्र किया है। आज तक ब्यूरो।